नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग एग्जाम में आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो थेल्स थ्योरम पे बेस्ड है। कौन सा थ्योरम? थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम बोलता क्या है, पहले वो हम लोग समझते हैं। तो थेल्स थ्योरम ये बोलता है कि यदि कोई ट्रायंगल का एक साइड का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करे तो उसका साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर, मतलब दिस बाय दिस बराबर होगा दिस बाय दिस। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एडी कितना है, 5 है, और बीडी कितना है, 10। एई पूछ रहा है एक्स और ईसी है 8। तो एक्स का वैल्यू बताइए। तो ये कैसे बनेगा, तो इसका एक प्रोसेस है। ए डी ऊपर में लिख दीजिए 5, नीचे कितना है 10, बराबर होगा एक्स, नीचे कितना है 8। इसको क्या कर दो, आप क्रॉस कर दो। तो एक्स को 10 से गुना, 8 को किससे गुना, 5 से। तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, और 10 से भागा दे दो तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। मैं एक दूसरा ट्रिक आपको एकदम ईजी वे में समझा रहा हूँ। देखो तो बाबू, ये इसका क्या है, डबल है ना, 5 का डबल क्या है, 10 है। तो किसका डबल 8 होता है, तो नो डाउट 4 का होता है। तो आप आराम से बना सकते हो थेल्स थ्योरम पे बेस्ड इतनी आसानी से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एडी है 6 और ए है 9। अच्छा एक बात बताना, 6 9 का कितना गुना है, तो 1.5 गुना, डेढ़ गुना। तो 8 का डेढ़ गुना कितना होगा, तय बात है 12 होगा। कोई ज़रूरत नहीं है उतना थेल्स थ्योरम पे करके बनाने का, डायरेक्ट आप कर सकते हो, या तो ऐसे कर दो क्रॉस गुना, 8 को 9 से गुना और 6 को एक्स से गुना। 9 को 8 से गुना करोगे और जो सिंगल बचता वो हमेशा डिवाइड दे देना। 6 से 3 से कटा 2 बार में, ये 3 बार में, 2 से कटा ये 4 बार में, कितना आया, 3 चौके 12। क्लियर है, फिर से समझो। कभी भी जो 2 रहेगा उसको गुना करना और जो तीसरा रहेगा अकेले उससे भागा दे देना। तो ये 8 को 5 से गुना 40 और 10 कितना हो गया, 4 आ गया। क्लियर, या तो सिंपल ये डबल है तो ये भी डबल होगा। चलिए दो क्वेश्चन था, अब एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। ये है सिमिलर थ्योरम पे बेस्ड। इसमें क्या बोलता है कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो, इसका एरिया है 100, इसका एरिया है 121, तो इसमें एक साइड दे दिया है बी सी आपका 5। आपसे पूछ रहा है क्यू आर कितना होगा, क्यू आर कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे बनाते हो, तो इसका थ्योरम है एरिया जो ट्रायंगल होगा, मान लो ये ए बी सी है और ये क्या है एरिया इसका डी पी क्यू आर, वो बराबर होगा, किसका बराबर होगा, तो साइड का रेशियो पहले लिखो। इसका साइड ले लिए बी सी, तो इसका ले लो क्यू आर। इसका किसके बराबर होगा, स्क्वायर का। ये तीनों साइड आप ले सकते हो, इसका साइड एक ले लो ए सी, इसका ले लो पी आर। तो ए सी बाई पी आर पूरे का क्या, स्क्वायर का, समझ रहे हो, तीनों साइड का वैसा आप कर सकते हो। तो इसको आप कैसे बनाओगे, तो एक साइड 100 है लिख दो 100, नीचे 121 लिख दो, बराबर होगा बी सी ऊपर है कितना 5, नीचे क्यू आर होगा, इसका किसके बराबर, स्क्वायर का। तो देखो बाबू, हमेशा देखना ऐसा देगा ना, ये 100 और 121 ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो रूट से आराम से बाहर आ जाए। तो देखो, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ा दो, तो रूट चढ़ेगा तो ये कितना होगा, ये 10 निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा, ये बचेगा 5 और क्यू आर। तो 10 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 11, ऊपर था 5, नीचे था क्यू आर। कैसे बनाओगे आप बताओ, तो 11 को 5 से गुना 55 और 10 से भागा दे दो, कितना हो जाएगा, 5.5 आंसर हो गया, 5.5। फिर से देखो, इस एक दूसरा एग्जांपल है 100 और 144, तय बात है 100 के बदले कितना निकलेगा 10, 144 के बदले कितना निकलेगा 12। डायरेक्ट बनाओ, कंपटीशन में हम लोग को उतना टाइम नहीं रहता है। बी सी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 10
144 के बदले निकल गया 12, ऊपर दिया हुआ है 8, नीचे लिखा हुआ x कर दो, 12 को 8 से गुना 96, 10 से भागा दे दो 9.6 हो गया आंसर। समझ में आया? तो ये आपको मैंने मैट्रिक का 10th में मेनली थेल्स थ्योरम और सिमिलर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक में पढ़ना है और पॉलिटेक्निक का एग्जाम में रेलवे एसएससी में भी आजकल देने लगे हैं, तो इसको अच्छे से देख लो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।